बट जैसे हमारे कॉलेज में आज भी क्या हुआ कि एक टीचर थे, वो कह रहे थे कि ये सारी एक टाइप की भेड़ चार है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं उनसे वहाँ पर लड़ने लग पड़ी, मैं आप पापा जी के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते हैं। तो कहते हैं आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हो, मैं कहा एक बार जाके देखो। उन्होंने ये बोला कि ये ना भेड़ चार है, कि सारे एक को देख के आप पीछे जाई जा रहे हैं। तो मैंने बोला नहीं, आप उनके बारे में ऐसे नहीं बोल सकते। तो वो मुझे बोलते आप तो मुझसे लड़ने लग पड़े। मैं कहा पापा जी के खिलाफ बोलोगे तो हम नहीं सुनेंगे। जो मानने वाले हैं वो मानते हैं, जो दूसरे धर्म के हैं वो फिर अपना कहते हैं। बट पहले तो हम सुन लेते थे, अब हम सुनते नहीं हैं, अब हम विरोध करते हैं उनकी बातों का। तो मतलब पक्की वाली बात है। हाँ, मैं तो बाबू जी की फैन हूँ बहुत ज्यादा। जब वो आते हैं इसकी स्माइल कुछ और होती है। क्या यहाँ पे कमी क्या है? कमी वही है, हर एक नाम लेना नहीं किसी चीज का, नशों में रहना, मतलब कि उनको उस चीज का ज्यादा है कि नहीं। वो पंजाब में तो ये अक्सर सुना जाता है, हर टाइम न्यूज में यही चीज होती है कि नशा बढ़ गया, नशा बढ़ गया, नशा। वो ये सुधारेंगे और ये पक्का सुधार। मेरा नाम रिया है। कहाँ से है? मैं पठानकोट से हूँ। क्या करते हो आप? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जैसे बागेश्वर धाम सरकार की आपने कथा सुनी, कैसी लगी? हमें बहुत आनंद आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मतलब जो बाबा जी हैं उन्होंने सनातन धर्म का इतना ज़्यादा प्रचार किया कि जो लोग नहीं भी मानते थे, अब हमने अपनी आँखों से देखा कि ये सब सच्चाई है, और मतलब अब हम इस धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी तक आपने उनके बारे में क्या सुना? पहले मतलब हमें, मुझे तो स्टार्टिंग से यकीन था, क्योंकि जैसे हमने वीडियोस देखी थी, रील्स देखी थी, सुना था, मुझे तो यकीन था। बट जैसे हमारे कॉलेज में आज भी क्या हुआ कि एक टीचर थे, वो कह रहे थे कि ये सारी एक टाइप की भेड़ चार है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं उनसे वहाँ पर लड़ने लग पड़ी, मैं आप पापा जी के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते हैं बड़ी मैं आप पापा जी के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते हैं। तो कहते हैं आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हो, मैं कहा एक बार जाके देखो फिर आपको पता चलेगा। तो मतलब रिलाई नहीं हो रहा था उनको, तो हुआ नहीं क्योंकि वो कभी आए नहीं। वो बोल रहे होंगे फिक्सिंग है सब। हाँ, उन्होंने ये बोला कि ये ना भेड़ चार है, कि सारे एक को देख के आप पीछे जाई जा रहे हैं। तो मैंने बोला नहीं, आप उनके बारे में ऐसे नहीं बोल सकते। तो वो मुझे बोलते आप तो मुझसे लड़ने लग पड़े। मैं कहा बाबा जी के खिलाफ बोलोगे तो हम नहीं सुनेंगे। तो आपने क्या रिप्लाई दिया? तो मैंने यही बोला कि आप एक बार जाके देखिए, आप आ जाके देखिए, आप एक बार बागेश्वर धाम जाके देखिए, फिर आपको पता चलेगा। अच्छा, जैसे आपने दिव्य दरबार देखा तो आपको क्या समझ आया? इससे यही समझ आता है कि जो भी है सच्चाई है। तो क्या चीज़ आपको कहते हैं ना कि बिल्कुल हार्ट में जो हिट कर गई? मैं तो पहले से ही बाबा जी की भक्त हूँ, शुरू से। मतलब मैं तो रोज़, पहले तो मैंने बाबा जी को रील्स में देखना स्टार्ट किया था, क्योंकि हम तो आज की जनरेशन यहाँ पे इतना संस्कार, आस्था इन सब चीज़ों में नहीं है इतने ज़्यादा, क्योंकि हम ज़्यादातर हैं इस टाइम अपने करियर बनाने में, क्यों हम सब अपनी पढ़ाई में लगे पड़े हैं। नौकरी मिल जाए, सरकारी हो जाए, सब अच्छा हो जाए, तो हम ऐसे इंस्टाग्राम वगैरह चलाते रहते हैं। तो मैंने बाबा जी की रील्स देखी, तो मुझे रील्स देख के बाबा जी की इतना ज़्यादा अंदर से हुआ। तो मैंने अब क्या किया, कुछ महीनों से रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दी। पहले मैं नहीं पढ़ती थी, पहले मुझे कुछ नहीं था, बट इनकी रील्स देख के मैंने अंदर से रोज़ रात को हनुमान चालीसा पढ़नी, और अब तो ऐसा हो गया कि मेरे को लगता है मैं मतलब रुक ही नहीं सकती। तो मतलब जैसे आपने इनको फॉलो करना शुरू करा, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई है, यानी कि क्या चेंजेस आए? मतलब मैं मतलब 3 दिन से जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो मतलब इतना सुकून लगता है। मतलब पहले परेशानी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो चलती रहती हैं, पर कभी कुछ क्लियर नहीं होता था माइंड में। तो अब जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तो मेरे को थोड़ा सा अपना ना लाइफ थोड़ी शॉर्ट सी लगती है। जैसे वो बताते हैं कोई भी मंत्र या हनुमान चालीसा, उसका अपने ऊपर प्रयोग करके देखा, यानी उससे फ़ायदा? मैं सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। तो उससे कितना फ़ायदा हुआ? मुझे बहुत सुकून मिलता है। मतलब पहले मेरा जो माइंड था, मैं थोड़ी सी डिप्रेशन वगैरह में चले जाती थी, कोई भी घर की भी दिक्कत होनी, अगर कोई पढ़ाई में भी सक्सेस नहीं होना, क्योंकि मैं मतलब बहुत, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मैं बहुत पढ़ती हूँ, पर मतलब कभी अभी तक इतनी सक्सेस नहीं हुई। अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, बट अभी उस चीज़ में नहीं पहुँची जो मुझे चाहिए। तो अब तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, और मतलब मैंने इनका बहुत किया है, तो होप्स अगर इनकी होगी तो। असिस्टेंट प्रोफेसर आप मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में हैं? मैं यहाँ पे A&M कॉलेज में हूँ अभी, पठानकोट के। प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट है। जो आपके जैसे जो रिलेटिव हैं या फिर जो फ्रेंड सर्किल में है, वो लोग क्या इनके बारे में बोलते हैं? क्या पठानकोट में, जैसे आप हैं पठानकोट में, क्या इनके बारे में क्या बातें क्या चल रही हैं? जो मानने वाले हैं वो मानते हैं, जो दूसरे धर्म के हैं वो फिर अपना कहते हैं।
बट पहले तो हम सुन लेते थे, अब हम सुनते नहीं हैं, अब हम विरोध करते हैं उनकी बातों का। आज क्या मतलब आपको अच्छा लगा कथा में? आज मुझे बाबा जी की हर एक बात अच्छी लगी, और सबसे बड़ी बात मुझे जो इन बाबा की अच्छी लगती है कि बाकी जितने भी बाबा हैं उनसे हम जो युवा है आज की वो कनेक्ट नहीं हो पाती, क्योंकि वो हमेशा बात करेंगे तो जो हमसे बड़े जेनरेशन है, जो बूढ़े वगैरह हैं, उनसे रिलेट करके करते हैं, युवा से रिलेट करके कोई बात ही नहीं करता, तो युवा कैसे कनेक्ट करेगा? तो जो ये हमारे बाबा जी हैं बागेश्वर धाम के, ये युवा पीढ़ी से कनेक्ट होकर बातें करते हैं, जिनसे ये युवा जनरेशन, इवन बच्चे छोटे छोटे, बहुत कनेक्ट होकर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे वो बोलते हैं कि मम्मा की बात माननी चाहिए, घर वालों का जो है बातें माननी चाहिए, तो वो करती हैं आप या फिर? हाँ जी, हाँ जी, क्यों नहीं, ज़रूर करते हैं। मम्मा हैं आपकी ये करते हैं? करते हैं, हाँ हाँ करते, क्यों नहीं करते हैं आप? इन्हें ये मेरी वाइफ है। तो मतलब ये बात मानते हैं? हाँ हाँ, हर एक बात, हर एक बात जो भी कहते हैं मम्मा, सब हर एक चीज़ मानती है। तो मतलब आप बाबा की तो मतलब पक्की वाली भक्त हैं आप? हाँ, मैं तो बाबा जी की फैन हूँ। जब वो आते हैं इसकी स्माइल कुछ और होती है। उनके अंदर क्या यूनिकनेस क्या लगती है आपको? सबसे ज्यादा बड़ी यूनिकनेस यही है कि जो हमारी युवा पीढ़ी को बाबा जी ने कनेक्ट किया। बाकी जितने बाबा जी हैं, मैं किसी के बारे में ऐसा कहना नहीं चाहूँगी, पर मैं अपना बता रही हूँ कि मैं किसी के साथ कनेक्ट हो नहीं पाई अभी तक, जो मैं इन बाबा जी के साथ कनेक्ट हो पाई। आपके मन में कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि ये साइंस का एरा है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्लानिंग हो सकती है, जैसा लोगों ने बोला, तो कभी आप सेंटर आउट नहीं हुई? नहीं, मैं वही तो कह रही हूँ कि मैंने जैसे इनको देखा, मतलब मेरे को अंदर से बहुत कनेक्शन फील हुआ, तो मैंने कभी डाउट ही नहीं किया। होते आपको डाउट होता है बाबा जी? मुझे तो नहीं है कुछ, इनके डर से बोल रहे हैं? नहीं 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 नहीं, 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 नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। पहले मैं भी नहीं मानता था, बट अब मानना स्टार्ट होगा जब सामने से देखा। इन्होंने बोला या फिर नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैंने सामने खुद देखा। सामने से आपको क्या चीज़ रियलिस्टिक लगी? उनकी रियलिस्टिक एक ही चीज़ लगी है कि जो मतलब इंसान जो सोच कर आया होता है, वो मतलब कि मन की बात पहले उनके मन में होती है, उनके पर्चे में होती है, तो ये तो बहुत ही मतलब कि नाम। कुछ लोग हैं जो दूसरे धर्म से हैं, वो लोग इनका विरोध भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इनको पंजाब नहीं आने देना चाहिए, ये हेट फैला रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैंने आज ही सुबह सुना था, मुझे किसी ने बताया था कि बाबा जी ने एक स्टेटमेंट दी थी किसी धर्म के बारे में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, कि वो नहीं कहना चाहिए। तो फिर मैंने उनको समझाया जो बाबा जी ने हमें पहले दिन दरबार में उस चीज़ का रीज़न दिया था, तो मैंने उनको उसी चीज़ का रीज़न दिया। आपने क्या कहा था? मैंने यही कहा था कि जैसे बाबा जी ने बोला था कि उस धर्म में जाके लोगों को भटकाया जा रहा है, तो जिनकी वजह से लोगों की हो जा रही है, तो उनको सही रास्ते पे आना चाहिए, तो मैंने उनको ये चीज़ बोला। तो आपको आपको मतलब लग रहा है कि पंजाब में चेंजेस आएंगे इनके आने के बाद? आएंगे आएंगे, बहुत आएंगे, थोड़े नहीं आएंगे, बहुत आएंगे, बहुत यूथ इनके पीछे है, और मतलब कि हर अगर यूथ पीछे है तो बहुत बड़ी बात है, यूथ तो सबसे बड़ा यूथ ही है इस टाइम। बाबा ने आज मंच से कहा कि वो पंजाब आते रहेंगे, क्योंकि पंजाब के युवाओं को उनको सुधारना है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत जरूरत है, पंजाब के जो यूथ है वो बहुत बिगड़ चुका है। अच्छा, मतलब जैसे आप युवा हैं दोनों, तो क्या क्या यूथ में क्या यहाँ पे कमी क्या है? मतलब कमी वही है, हर एक नाम लेना नहीं किसी चीज़ का, नशों में रहना, मतलब कि उनको उस चीज़ का ज़्यादा है कि नहीं, वो पंजाब में तो ये अक्सर सुना जाता है, हर टाइम न्यूज़ में यही चीज़ होती है कि नशा बढ़ गया, नशा बढ़ गया, नशा, वो ये सुधारेंगे और ये पक्का सुधारेंगे। आपको लग रहा है कि आप चेंजेस आएंगे? हाँ, जरूर, बिल्कुल आएंगे। बागेश्वर धाम जाना चाहेंगे आप? हाँ, जरूर जाना चाहेंगे, हम जाएंगे, अब जाएंगे। और जो यदि बाबा आपको देख रहे हैं कल को, तो आप पंजाबी में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पंजाबी में अब मेरे को ज़्यादा पंजाबी आती है, एक्चुअली मेरे इनको आती है, आप इनसे जितना आपको आती है फिर उनसे भी पूछ लेते हैं। उसको पंजाबी नहीं आती। अच्छा, हिंदी में क्या कहना? मैं बाबा जी से ये कहना चाहूँगी कि एक बार मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, कैसे भी, मतलब चाहे मेरी अर्जी लगे ना लगे, बस मैं उनसे एक बार मिलना चाहती हूँ। आप क्या बोलना चाहते? मैं खुद वही चीज़, अर्जी लगनी चाहिए एक बार। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।